हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास टेंथ के लिए होगा। चैप्टर है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जहां हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट वीडियो है। तो आज ख़त्म होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम और साथ ही साथ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है। क्लियर, इस पर बहुत सारा वीडियो बना है। एक चैप्टर पर इतना सारा वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप सभी वीडियो को देखिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आज का वीडियो ज्योमेट्री पे है। किस पे है? विद ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम, सॉरी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम। इसमें आप लोगों का ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब आप जानते हैं, जहाँ एंगल्स के बारे में डील होता है, एक फिगर होता है जहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ करेंगे। आज हम लोग तीन क्वेश्चन यहाँ करेंगे, थ्री क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन ऐसे होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड होगा। तो साइक्लिक के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कौन साइक्लिक के बारे में पता होना चाहिए? सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्वेश्चंस हो सकता है। एंगल से जो डील होता है ना, ज्योमेट्री का पार्ट हो जाएगा। क्लियर, जहां एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपका ज्योमेट्री का पार्ट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग ट्रायंगल के बारे में करेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है जानना। साइक्लिक में आप जानते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होता है, जिसका चारों कॉर्नर वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, ठीक है, उसी चारों पॉइंट्स को हम लोग कॉनसाइक्लिक भी बोलते हैं। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल लाई करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप जानते हैं, वी नो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो आपको देखिए, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। देखो, सप्लीमेंट्री का बात कर रहे थे तो सप्लीमेंट्री आ गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना, जिसका अपोजिट एंगल, मतलब ए बी सी डी, तो ए सी से और बी डी से अपोजिट होगा, और दोनों का सम कितना होगा? 180। तो एक पेयर ए सी के साथ बना लेगा और बी डी के साथ बना लेगा, एक एक पेयर, सॉरी एक एक इक्वेशन, तो पेयर बन जाएगा और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, किसी एक पे, तो सप्लीमेंट्री जानते हैं, द एंगल हुज सम इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंड सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। इसके बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल में आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और उसके अलावा तो कुछ प्रॉपर्टी होता नहीं है। क्लियर, यही होता है, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, तभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलते हैं ट्रायंगल पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे एंड कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, और भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ मिलेगा आपको, लेकिन फिलहाल ये तीनों कर लेने के बाद इससे सिमिलर वे का क्वेश्चन मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। बहुत अच्छा और छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी गर्मी है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा वीडियो बनाने में, कोई नहीं। यहाँ है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री आप जानते हैं, दो एंगल, ऐसा दो एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री सेट टू बी सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो दोनों एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री किसी सिंगल एंगल को नहीं बोलते हैं, ना तीन एंगल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सिर्फ दो एंगल को। यहाँ ना क्या लिखता है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ऑब्वियस है, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? जैसे एक एंगल को ले लो 90 डिग्री, तो दूसरा के लिए कितना बचेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, तो दूसरा के लिए कितना होगा? 90। एक ले लो 100, तो दूसरा कितना होगा? 80। एक ले लो 110, तो दूसरा कितना होगा? 70। तो यहाँ लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, मतलब यहाँ 90-90 का केस नहीं है, इसके अलावा कोई भी है, 110 एंड 70 हो सकता है। तो बोल रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों में से कोई एक बड़ा, वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, तो वो छोटा से 18 ज़्यादा है डिग्री, डिग्री का ये साइन दे देते हैं, पावर जीरो मत समझिएगा, ठीक है। एंड स्मॉलर बी वाई डिग्री। अब आते हैं, क्लियर, केस वन केस टू। देखो, ज्यादातर इसका एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। यहां इस टाइप का ना ज्योमेट्री हो चाहे एरिया हो, दोनों के केस में एक प्रॉपर्टीज पे चला जाएगा इक्वेशन और एक गिवन पे। तो गिवन दिया इस पे एक इक्वेशन बनेगा, एक प्रॉपर्टी पे बनेगा, वो कैसे? देखिए, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, लार्जर को क्या लियो? एक्स, एक्स
एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा, तो इक्वल टू देते हैं इसके जगह पे, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, स्मॉलर क्या है वाई, और एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, तो वाई प्लस 18। क्या बोला, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स और वाई में लार्जर एक्स लियो, आपको मर्जी वाई लेने का वाई लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा एक्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, जैसे एक्स लोगे तो स्मॉलर से 18 ज्यादा हो जाएगा, मतलब लार्जर लोगे इसको, तो एक बन गया ये इक्वेशन वन। दूसरा कुछ नहीं दिया है, तो सिंपल जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एक एंगल एक्स है दूसरा वाई, दोनों का सम तो 180 ही होगा, वो कहाँ जाएगा, वही रहेगा इक्वेशन टू। इसको सॉल्व कर लीजिए, जी आंसर आ गया। एरिया वाले में क्या था, एक आपका एरिया रहेगा सिंपल सा एल इन टू बी इक्वल टू गिवन रहेगा, वो फिक्स है, और बाकी यहाँ गिवन था, तो यहाँ भी ऐसा ही है, तो x का वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए, y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, वाई वाई टू वाई इक्वल टू 180 माइनस 18, टू वाई इक्वल टू 180 में से 18 गया, 180 में से 18, तो कितना बचेगा 162, कैंसिल कर लीजिए 81, तो y कितना आया 81, x कितना आएगा जी यहाँ रख लो 81 प्लस 18 9, लार्जर एंगल कितना 99 डिग्री और स्मॉलर कितना 81, बोला था कि स्मॉलर से 18 ज़्यादा होगा, तो इसमें 18 ऐड करके देखो 81 प्लस 18 9 आया, तो चेक भी हो गया आंसर, लास्ट में लिख देना हेंस लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर नंबर इज एंगल इज 81 डिग्री, बोथ आर सप्लीमेंट्री, जैसे ही सम करोगे सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ, आते हैं जल्द से दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ ट्रायंगल से रिलेटेड है, यहाँ थोड़ा प्रूविंग दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, इसका आंसर जरूर देना, हमेशा क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मांगते हैं, आप लोग कोई देते नहीं है, प्लीज़ इस बार दीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, क्लियर, तो कर लेना। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए एक्स डिग्री, बी थ्री एक्स डिग्री, एंगल सी वाई डिग्री, क्लियर, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, और दूसरा है 30, तो ये इक्वेशन दे दिया, आप जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चाहिए, यहाँ एक दे दिया है, एक निकाल लो, कितना सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। प्रूफ करने बोला है कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं, मतलब अभी ये ऐसा ट्रायंगल है, शो करो कि ऐसा होगा कि नहीं, तो ऑब्वियस है बनाने के बाद ही पता चलेगा, एग्जम्पशन अलग चीज़ है और प्रूविंग प्रूफ करके लाना अलग चीज़ है। तो आप आते हैं यहाँ, यहाँ कुछ सपोज करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी सपोज्ड है, तो क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, वाई वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, बट सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दो एंगल का सम होता है, यहाँ तीन एंगल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा, क्या होगा, ए कितना है x डिग्री, बी कितना है 3x डिग्री, और सी कितना है y डिग्री। देखिए एंगल ए जो है ना, और बी इसका 3 टाइम्स है, ऐसे भी समझ सकते हैं 180 डिग्री, ये इक्वेशन 1 बना लिया, और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, चलिए 180 होता है x और x 4x डिग्री प्लस y, डिग्री हटा देते हैं 180 डिग्री, इक्वेशन 1, और दूसरा तो दिया है आपके पास 3y माइनस 5x इक्वल टू 32, इन दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद x और y निकलेगा, क्लियर, x और y निकलेगा ना, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रायंगल है अपने पास, x ये हो गया x डिग्री, ये हो गया y डिग्री, और ये हो गया आपका 3x डिग्री, तो x और y निकालो और देखो कि दो एंगल का सम 90 हो रहा है कि नहीं,
एक्स और वाई का सम 90 हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो क्लियरली है आपका आंसर आ जाएगा, नहीं होगा तो हेंस मतलब प्रूव हो गया कि नहीं होगा, लेकिन प्रूव होगा उसको देखना, क्लियर करना। आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस पूरे चैप्टर का, साइक्लिक से रिलेटेड। तो आते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास ऐसा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हैं ना किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा बनता है, उसका चारों वर्टेक्स ना आर्क पे लाई करेगा। तो आप ना एक काम करना, यहाँ एक फिगर जरूर बनाना एग्जाम में, ताकि हमेशा बोल रहे ज्योमेट्री का पार्ट में आप फिगर जरूर बनाना। साइक्लिक में ना अपोजिट का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्लियर। तो ये साइक्लिक का बन गया, अपोजिट का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी। ए कितना होगा 2x प्लस 4, बी कितना होगा y प्लस 3, सी कितना होगा 2y प्लस 10, 2y प्लस 10 और डी कितना होगा 4x माइनस 5, क्लियर। ये चार एंगल है, इसको समझते हैं कैसे करना है। तो बोलता है इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए बी सी डी और फाइंड फोर एंगल। देखिए मैथ्स का मतलब क्या होता है, किसी भी फिगर के बारे में अगर कोई वर्ड आता है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरियन, साइक्लिक, राइट एंगल, तो इस तरह का कोई भी वर्ड आया ना, तो वो आपका वर्ड माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस बच्चे को साइक्लिक के बारे में कुछ नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। तो मैथमेटिक्स का मतलब होता है फुल नॉलेज आपके पास उसके बारे में होना चाहिए, अदरवाइज फंस जाओगे, नहीं बना पाओगे। तो यहाँ देखिए क्या है, साइक्लिक में कहता है ना अपोजिट एंगल का सम, ए सी का सम साथ इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है और बी डी के। तो यहाँ क्लियर हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ कोई सपोजिशन का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सपोज्ड है, एक्स वाई तो है ना उसमें, एक्स वाई कहाँ सपोज करना है। और एंगल सी प्लस, यहाँ लिख लो या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। ए के जगह पर उसको सब्सिट्यूट करो, 2x प्लस 4 प्लस सी के जगह पे 2y प्लस 10। देखिए एक में x है एक में y है, बन गया पेयर। इसमें आइए b के जगह पे रखिए आप y प्लस 3 और d के जगह पे रखिए 4x माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x माइनस 2y सॉरी प्लस 2y, 4 और 10 14, 180 माइनस 14। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 14 कितना होगा 166 बाय 2, ये वाला कॉमन लेके तो कितना आया 83। तो x प्लस वाई कितना आ गया 83। इक्वेशन वन, यहाँ आइए 4x प्लस वाई, 3 और माइनस 2 उधर गया तो 182, इक्वेशन 2 बन गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल के आप बता दो कि क्या होगा, फाइंड फोर एंगल बोला है। तो x निकाल के यहाँ रखो, अगर x आता है 10
तो 210 या 20 प्लस 424 डिग्री x और y निकाल के यहाँ सब्सिट्यूट करके x और y निकाल के छोड़ना नहीं है, यहाँ नहीं रखोगे पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो x और y रख के एंगल निकाल के लास्ट में लिखना हैंस 4 एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इतना 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 डिग्री। आज के लिए बस इतना, पूरा सिलेबस होल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मेरे हिसाब से ख़त्म हुआ। शायद इतना वीडियो आपको YouTube पे एक चैप्टर पे मिल सकता है, लेकिन रेयरली मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से यूज़ करिए, वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अच्छा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।